आप सभी को नमस्कार। आज हम जन सरोकार मंच से एक ऐसे कवि को सुनने जा रहे हैं जिनको शायद मैंने पहले अपनी कविता के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, उनकी समझ को, उनके सरोकारों को, स्त्रियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को। मुझे लगता है कि जानना जरूरी है कि समाज के अलग अलग कोनों में इस तरह की प्रतिभाएं, जिन्हें हम कहें, हैं, जो बहुत संवेदनशीलता के साथ लिखती हैं और समाज के हर मुद्दे पर लिखती हैं, लेकिन कई बार हम उनको उस तरह से नहीं जान पाते जो कि बहुत जरूरी है। तो एक इस तरह के जन कवि हमारे बीच हैं आज, सुरेंद्र कुमार जी, जिनको मतलब मैं अपनी प्रेरणा भी मानती हूँ। और दर्जी कविता जो मैंने लिखी थी तो वो उन्हीं से प्रेरित होकर लिखी। बाद में मुझे पता लगा कि मैं उनके बारे में बहुत कम जानती हूँ, जितना मुझे जानना चाहिए। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम सब साझा रूप में उनको जाने, और आज उन्हीं की कविताओं पर जन सरोकार मंच के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं। तो सुरेंद्र जी, आग्रह आपसे, प्लीज आप अपने बारे में अगर इस मंच से बताएं थोड़ा सा। पूनम जी नमस्कार आपको। और गांव तो अहमदपुर है मेरा, ग्राम जी तो अहमदपुर, जिला सहारनपुर, यहीं पे पैदा हुआ हूँ। ठीक है। हाँ, और बस 5वीं तक ही पढ़ पाया हूँ। शारीरिक दुर्बलता, विकलांगता की वजह से नहीं पढ़ पाया मैं ज्यादा, ये जी दिक्कतें रही है ना, तो ये समस्या रही है। दूसरी समस्या ये रही है कि यहाँ से बाहर तक जाने में बड़ी परेशानी थी। अब तो स्कूटर वगैरह थे, पहले कहाँ वगैरह थे, गाड़ी की दिक्कत थी, तो मैं 5वीं तक, और उसके बाद मैं नहीं पढ़ पाता। सावन जैसा हूँ तू, भादो जैसा तू, भूलने जैसा है मैं, यादों जैसा क्या बात है। हमें एक दूसरे से गिला कैसा, हमें एक दूसरे से गिला कैसा, तो खुशबू जैसी है मैं गुलाबों जैसा, क्या बात है, तो बहुत खुशबू अच्छा जैसी है मैं गुलाबों जैसा। जी। आखिर जिंदगी के मौसम में आकर, आखिर जिंदगी के मौसम में आकर, बरसात है दासी, बादल नवाबों जैसा, मैं सावन जैसा हूं तू भादो जैसा, तू मैं भूलने सावन जैसा जैसा। मैं यादों जैसा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव। हम दोनों हैं वक्त की डाली पर बैठे, दोनों हैं वक्त की डाली पर बैठे, तू कोयल जैसी है मैं कागो जैसा, मैं सावन जैसा हूं तू भादो जैसा। अब उसकी आंखों को है मलाल कैसा, तू नींदो जैसा है मैं ख्वाबो जैसा, मैं क्या सावन बात है जैसा तू भादो जैसा, तू भूलने जी जी जैसा है मैं यादों जैसा। मैं यादों जैसा। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर भाव। एक गुलाबी साड़ी लिखी थी मैंने, कविता आपको भी भेज। गुलाबी साड़ी में कितनी खूबसूरत लगती है तुम, गुलाबी साड़ी में कितनी खूबसूरत लगती हो, तुम्हारे बदन से ताजा गुलाब की खुशबू आती है, तुम्हारी आंखों में एक नदी है जिसमें मेरी भावना नाव चलाती है, तुम्हारी नाक की नथली भटकती मेरी आत्मा को तुम्हारे पास बुलाती है, तुम्हारे होठों से शहद सा चपकता है, तुम्हारे बालों को संवारने का मन करता है, तुम्हारी हंसी सैकड़ों सिक्कों की खनक पैदा करती है, तुम्हारी आवाज लता मंगेशकर से मिलती है, तुम वाकई में अजूबी हो, तुमसे क्यों ना प्यार करूं जिसमें इतनी खूबी है। कुछ कहना चाहती है नदी मगर कह नहीं पाती, कहकर जी कुछ बोझ ढीला हो जाता है, ये जानते हुए भी समंदर की ज्यादतियां कितनी गहरी हैं, एक नदी जो जी उसके साथ बहती है, खाती है पीती है, उसका दर्द भी कुछ कुछ ऐसा ही है, उसकी एक सहेली है उसका भी दर्द ऐसा ही है, एक दिन नदी को गुस्सा आया, दे मारी चप्पल समंदर के मुंह पर। क्या बात है। ये बेमौसम बारिश में आते जाते लोग भीगते रहे, ये कविता अगर आपके पास। बेमौसम बारिश में आते जाते लोग भीगते रहे, हम दोनों भीग कर भी नहीं भीगे। इसकी किया प्रेरणा सर क्या है और ये कविता आपने किन क्षणों में लिखी है? इस कविता जी। में हम दोनों भीग कर भी नहीं भीगे। मैंने कहा इससे तो अच्छा छतरी ही लगा लेते। उसने कहा इस बारिश की बूंदों से कहाँ भीगते हैं हम। जब भीगते हैं
प्रेम की एक बूंद में ही भीग जाते हैं। इन बारिश की बूंदों से कहां भीगते हैं हम, जब भीगते हैं प्रेम की एक बूंद से ही भीग जाते हैं। तो ये जो अनुभूति है आपकी प्रेम के प्रति, जो अनुराग है, प्रेम आपकी बहुत सारी कविताओं में आता है, और मतलब स्त्री प्रेम को लेकर महिलाओं के प्रति जो संवेदना है, जो महिलाओं के प्रति एक अलग तरह का अपनत्व है, आपने कई बार पत्नी को प्रियसी के रूप में भी, आपकी कविताओं में आपकी पत्नी प्रियसी के रूप में भी आती है। बिल्कुल। तो इसको आप कैसे मतलब कहीं रेखांकित आप करते हैं जब, तो कोई इस तरह की कविता आप सुनाएं, जो जैसे अभी गुलाबी साड़ी आपने सुनाई, इस तरह की कोई और कविता। अच्छा, तो प्रेरणा इस तरह की भी हो सकती है, जैसे कि मैं स्त्री को अपनी प्रेरणा मानता हूँ, अगर स्त्री हमारी प्रेरणा मान ले, ऐसे भी होता है कभी कभी, है ना, तो मैं उसके जज्बातों से, यानी जो वो कहना चाह रही है, मैं ऐसी भी कविता लिख देता हूँ, जो नहीं कहना चाहती वो कविता मेरे को कह रही है, उसके भाव कह रहे हैं, उस तरह की कविता है। जब तक मेरी शादी तो अब ये भी हुई है, लेकिन वो मुझे लगा कि अगर कोई मेरी वाइफ हो तो मुझे ऐसा कहेगी, बहुत पहले की है ये, लेकिन वो सेम आ रही है इसके पर। जी जी ख्यालों में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा होना ही काफी है मेरे लिए, जी तुम्हारा होना ही काफी है मेरे लिए, बस व्हील चेयर पर बैठे रहो और हिदायत देते रहो। देखो ये चप्पलें, ये ब्रश एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं, इनको करीने से रखा करो, आया आने के बाद फर्श को ढंग से धुलवा भी दिया करो, तुम्हें पता है कोने में कितने जाले लगे हैं, कभी कभी तुम खुद ही काटने लग जाते हो सब्जी, तुम्हें लेट लतीफी पसंद नहीं है, बैठे बैठे खुद ही धोने लग जाते हो कपड़े, बैठे बैठे ही बहुत कुछ करना चाहते हो तुम, लेकिन कितनी बार कहूं तुम्हारा होना ही काफी है मेरे लिए। क्या बात। एक दिन भतीजी के साथ पूजा के लिए फूल तोड़ने क्या निकली, बस शुरू हो गए, कहाँ गई, वक्त हो रहा है बालों पर मेहंदी लगाने का, पड़ोसी बता रहे थे पूरा घर सर पर उठा रखा था, तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारा मैनेजमेंट बहुत मुझे बहुत पसंद है, और तुम्हारी तो और तुम्हारा कभी होना, मगर तुम्हारा गुस्सा बाप रे बाप, और तुम्हारा प्यार सचमुच क्या, तुम्हारा होना ही काफी है मेरे लिए, तुम्हारा होना ही काफी है मेरे लिए। जी, रिश्तों की प्रगाढ़ता, रिश्तों के बीच का जो एक जुड़ाव होता है, जो एक अंतर संवेदना होती है, उसको भी आपने बहुत अच्छे से कई कविताओं में अभिव्यक्त किया है। मुझे लगता है कि काश मैं यहाँ पर उन चीजों को खोल, ये बारिश वाली कविता मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एक बूंद भी काफी है भीगने के लिए। इसी तरह की कई कविताएं हैं सर आपकी। अच्छा, कुछ कविताएं आपने सामाजिक, जैसे मैंने एक कविता पढ़ी थी आपकी अभी, राशन की लाइन में कुछ इस तरह का आपने कविता लिखी है, तो सामाजिक सरोकारों से भी आप अपने आप को जोड़ते हैं, और वो चाहे अनचाहे मुझे लगता है कि वो कविता के रूप में आपका जो 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 भी रोज बरोज की जो दिनचर्या की जो अनुभव है वो जुड़ते जाते हैं, तो दैनिक समस्याएं भी उसमें जुड़ती हैं, दैनिक जो कर्म है वो भी उसमें जुड़ते हैं, आपके आस पड़ोस के जो रोजमर्रा की जो एक जिंदगी है उसको आप कैसे कविता में ढाल पाते हैं, तो वो और एक एक बिजी, मतलब उसको कहेंगे हम एक व्यस्ततम समय के का, मतलब जो एक अभाव होता है आपका, व्यस्ततम एक जो जिंदगी है आप, क्योंकि एक एक काम भी करते हैं आप कपड़े सीते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक अलग तरह से समय चाहिए होता है, तो इतने बिजी शेड्यूल में या इस व्यस्ततम समय में आप कैसे अपनी कविताओं को लिखकर उन पर काम कर पाते हैं या निखार पाते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। कपड़े की नाप लेते लेते ना, जैसे कि मैं कपड़े की नाप ले रहा हूँ तो कविता माइंड में आ गई, तो वो उसमें वो घर चलती रहती है, वो चलती रहती है, दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, लेकिन अब लिखने का वक्त नहीं होता जी। तो मैं क्या करता हूँ कि उसके जो कागज होता है ना लिखने का ही, जैसे नाप लिखी हुई है उसको कागज मिल गया या वैसे कुछ, काफी वाफी तो होते नहीं, तो उस पर कोट करता रहता हूँ और वो जेब में रहती है मेरी। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि मेरी वो जो जेब में से वो जो नहाते हुए वो भी गई, यानी पता नहीं रहता, मतलब कहीं मंच पे, मतलब ऐसे कि कोई मेज वगैरह पे नहीं लिख पाता मैं,
ना मुझे इतना वक्त है ना मेरे मुझ मेरे पे इतनी सुविधा होती है, भाग दौड़ में रहता हूँ, स्कूटर चलाते हुए भी कविता रहती है मेरे दिमाग में, तो ऐसे ऐसे अच्छा ऐसे ही जोड़ता रहता हूँ। हाँ ऐसे नहीं अच्छा इकट्ठे बैठ के कभी नहीं कर सकता। अब मैं कविता चुनने की बात आई ना, तो ढेर सारी कविता जी मैं चुन भी नहीं पाया। अब देखो आप व्यस्तता इतनी जी रहती है। हाँ जी तो बिल्कुल इस सवाल का पहला जवाब है। तो दूसरा जवाब है कि मैं मेरे अंदर घर करती रहती कोई चीज, यानी मैं चाहता हूं कि ये जो लड़की जा रही है या ये जो लड़का जा रहा है, तो इसलिए ये जो कुछ कहना चाह रहा है वो कहना नहीं चाहता, मतलब वो कह नहीं पाता, अभिव्यक्त नहीं कर पाता, तो मैं क्यों ना जी उसको बिल्कुल अभिव्यक्त, तो उस पर मैं काम करता हूं। बहुत अच्छी बात है सर। ये एक आपकी कविता लिखने की जो प्रक्रिया है, मतलब मुझे लगता है सारे कवियों के साथ यही होता है कि जैसे चीजें चलती रहती हैं, आपके अनुभव का हिस्सा बनती रहती हैं, और आप उन्हें कविता में उस रूप में शायद उस समय पे ना ढाल पाए, पर वो देर सवेर आपकी अभिव्यक्ति जो है वो आ जाती है कागज पर। या आजकल तो क्योंकि आभासी पटल का जमाना है, तो वो सीधे आपके व्हाट्सएप पर या आपके नोटपैड पर आ जाती हैं। और फिर शायद मुझे लगता है कि जो रचना प्रक्रिया होती है उसमें भी कई सारे बदलाव होते हैं, जब वो वहां से दिमाग से निकलकर जब हमारी अभिव्यक्ति किसी कागज या किसी इंटरनेट पर कहीं भी आती है, तो मुझे लगता है वहां भी टाइप करते या लिखते समय उसमें बहुत कुछ जुड़ता और बहुत कुछ घटता है। तो क्या कभी बिल्कुल ऐसा होता है कि आपने जो कविता लिखी उसको फिर दूसरी बार उसको हटाया? हाँ, मैं कविता आजकल जब से व्हाट्सएप आया है ना पूनम जी, जी जब से व्हाट्सएप वगैरह में चलाना शुरू किया है मैंने, जी तब से मैं कागज वगैरह पे नहीं लिखता और सीधा जी व्हाट्सएप पे लिख देता हूँ, और मैं इसको सुधारता नहीं, कभी अच्छा डायरेक्ट जाती है। यानी अगर मुझे 10 मिनट का समय मिल जाए तो डायरेक्ट बिल्कुल, जी मैं कभी कुछ सुधारता ही नहीं हूँ। हाँ जी और पहले तो सुधारता था अपने आप को कि बहुत सारे, मैं कहता हूं कि कम से कम कई कई थैले कागज के मैंने फूके हैं, कई अच्छा अलमारियां। हाँ, मतलब कुछ नहीं कर पाता था, मतलब मुझे लगता था कि मैं शायद कविता के लिए नहीं हूं, जबकि मैं कविता के लिए ही तो अच्छा था, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मैं जो लिखना चाह रहा था नहीं लिख पा रहा था। अच्छा और अब ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा समय मिल जाए तो मैं फिर इसको टोकता नहीं, धारा प्रवाह आती है अपने आप, जी 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 सीधा व्हाट्सएप पे सेंड, सी आप सबको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ मैंने क्या लिखा है, मैं लिखने के बाद भूल, अच्छा मुझे कोई याद नहीं रहता। एक जैसे कविता और है हाँ आपकी, ये कविता है तुम्हारे आते ही। सारी चीजें तुम्हारे बदल आते गई ही जी तुम्हारे है, मतलब आते ही घर सांस लेने लगा, हाँ कोठी कुठले नाचने लगे, कबूतर चुग्गा मांगने लगे, मन के खरगोश फुदकने लगे, खिड़की से पुरवा हवा आने लगी, ताजा गुलाब की पंखुड़ी लहराने लगी, एलोवेरा खड़ा खड़ा पसीजने लगा, रसोई में बर्तन आपस में बतियाने लगे, आपस में बतियाने लगे, तवे पर गोल गोल रोटियां सांस भरने लगी तुम्हारे आते ही। तुम्हारे तो आते ये हैं। कुछ कुछ जो कविताएं हैं, मतलब इनमें जो आपके प्रतीक हैं, और आप स्त्री को मतलब गाड़ी के दो पहियों की तरह, जो गृहस्थी जो होती है, गृहस्थ जीवन जो होता है, उसमें आपने स्त्री का गृहस्थ रूप जो है उसको बहुत ज्यादा रेखांकित किया है, बहुत ज्यादा। मतलब स्त्री की जो नेसेसिटी है, जो घर में उसकी जरूरत है, वरी जो उसकी उसका महत्व है, उसको आपने बहुत अच्छे से मतलब रेखांकित किया है कि स्त्री का घर में ना होना कितनी सारी चीजों को वीरान कर देता है, और स्त्री का घर में होना कितनी सारी चीजों में जीवन डाल देता है, चाहे वो प्रकृति हो या मनुष्य हो और घर की दरो दीवार हो। तो ये जो महत्व है, जब आप ये सारी चीजें लिखते हैं, तो क्या कभी पत्नी के सामने उन चीजों को शेयर करते हैं? करते हैं, पत्नी पास ही बैठी है। और दूसरी बात यह, शेयर करने की तो जहां तक बात है, मैंने जी हाथ हाथ मिला के बहुत सारी जी कविताएं लिखी हैं, ऐसे हाथ जी पकड़ते। अच्छा
ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी पत्नी आपकी कई कविताओं में प्रेरणा बनती है। मुझे ऐसा लगता है इन कविताओं को पढ़ते हुए मुझे बार बार बिल्कुल ऐसा लगा कि आपका आपका जो मतलब जीवन में जो एक गृहस्थ जीवन के प्रति जो एक लगाव है वो दिखता है, और आप शायद कहीं ना कहीं वही सोचा है कि पति पत्नी दोनों जो है उस गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए साइकिल हैं। की कविता। हाँ जी, हाँ एक कविता है आजकल सर, छोटी जी, सी कविता है। चिड़ियों की चूचा आंगन वाले नीम के पेड़ पर मैंने मैंने सोते हुए जगा रात मैं आंगन मैं सोते हुए जगा रात के 2:20 पर। आजकल दूधिया रंग की लाइटें भी तेज जलती हैं, हो सकता है उसको भ्रम हुआ हो दिन निकल आया है। क्या बात, तो ये ये मेरे को क्या सुना रहे आप जी, तो बहुत ये जो छोटी छोटी अनुभूति हैं इनको आपने कविताओं में दर्ज किया है। या नियंत्रण नहीं रह जाता, मैंने चांद से पूछा आपका चांदनी पर कितना नियंत्रण है रचने के बाद, तो चांद ने कहा कितना भी नहीं, वरना मैं अपने दायरे के आसपास ही रहने देता। पेड़ के फलने के बाद फल पर कहाँ रह जाता है हक, हक कहाँ रह जाता है। दरिया को हक होता है तो पानी को मोड़ न देता अपनी क्यारी की तरफ, क्यारी की तरफ। रचने के बाद एक कवि का भी नियंत्रण नहीं रह जाता कविता पर। तो रचने के बाद कविता पर नियंत्रण नहीं रह जाता का मतलब कि कविता अब कवि के नियंत्रण से बाहर हो गई है, मतलब अब वो समाज को, आपने जैसे अभी बताया कि मैं लिखने के बाद दोबारा उसको करेक्ट नहीं करता, वो जो भी उसका मूल रूप है उसी में समाज के बीच जाती है, हाँ और हाँ पाठक तय बिल्कुल करें, समाज या श्रोता तय करें कि बिल्कुल कविता किस रूप में आई, जी, वही उसका अर्थ भी लें। मैं कुछ मैं अच्छा नहीं करता। अच्छा अब अच्छा आप मुझे वो अपने संग्रह में से कुछ चीजें सुनाएं, जो आपका गजल संग्रह आया, मैं चाहूंगी कि हमारे पाठक भी सुने कुछ गजलें आपकी जो आई आपके संग्रह में, तो जी, उनमें मैं से कुछ सुनाऊँ गजलें अगर सुनाएं सुनाऊंगा आप, कुछ बिल्कुल छोटी छोटी दो भी एक साथ सुनाएं तो। सुनाऊंगा सुनाऊंगा, लेकिन मैं जी आपसे एक सुनाएं। रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। आप कह रहे थे जी गृहस्थ जी जीवन का, तो अभी एक कविता जी निकल के आई, मैं सुनाना जी चाहूंगा जी आपको, भेजी है मैंने, है ना। जी शीर्षक है साइकिल के दो पहिए। जी 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 बिल्कुल साइकिल के दो पहिए कितनी खूबसूरत लगती है साइकिल चलते हुए, इसे बदसूरती से बचाने के लिए टूट फूट की जिम्मेदारी हमारी, देख रेख की जिम्मेदारी हमारी। मसलन एक पहिया जी चलते हुए टुकड़ा हो जाए, कील चुभ जाए, हवा निकल जाए, कभी कभी ठीक ठाक चलते हुए बैलेंस बिगड़ जाता है, हैंडल कांपने लगता है, धड़ाम से साइकिल जमीन पर। साइकिल के दो पहिए, जी एक पहिया तुम, एक पहिया मैं। मैं जी, ये बहुत अच्छी कविता है, ये भी मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ी थी। साइकिल के दो पहिए, एक पहिया तुम और एक पहिया मैं। वही मैं बार बार आपकी कविताओं में इस स्त्री पुरुष समानता को देखती हूँ, और ये स्त्री पुरुष समानता मुझे लगता है कि हर संवेदनशील व्यक्ति में होनी चाहिए। जब हम समानता की बात करते हैं, जब हम समाज में सामाजिक समानता की बात करते हैं, जब हम संवैधानिक संविधान के हिसाब से संवैधानिक समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता समानता की बात करते हैं, जब हमें सृष्टि ने कहें या प्रकृति ने कहें हमें एक रूप बनाया है, एक समान बनाया है, तो भी हम देखते हैं कि किस तरह से पितृसत्ता समाज में कायम है, और उसके चलते हम स्त्री को केवल एक ही तरह से देखना चाहते हैं, अपने अधीन। तो आप अपनी कविताओं में इन बैरियर्स को कैसे तोड़ते हैं, मुझे ये जानना है। वो कौन सी शक्ति, वो कौन सा बल, वो कौन सी अभिव्यक्ति या अनुभूति है जिसके बल पर आप ये कर पाते हैं और तोड़ पाते हैं। पहले तो खुद को ही बदलना है ना। जब जी हमने खुद को स्त्री के प्रति बदला है, तो कविताओं में खुद बदलाव आ गया। क्या बात है, बिल्कुल जब हम नहीं बदलते हैं तो कविता में, देखिए, आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, जी जैसा आपका रहन सहन है, जैसा आपका कल्चर है, वो आपकी कविता में आएगा। जैसा आप सोचते हैं, बहुत कहीं ना कहीं आएगा, बिल्कुल। तो मतलब है ना। इसका ये जो बात है कि ये वही बात है कि जब हम संवेदनशील हैं
और संवेदनाएं हमारी जुड़ती हैं, और हमारा वैचारिक जो स्तर है उसमें जब हम स्त्री पुरुष समानता को देखते हैं तो वो हमारी कविता में भी समान रूप से आएगा, और वो आपके मुझे आएगा। लगता है जीवन में ही है, वो आपके पारिवारिक जीवन में है इसलिए आपकी कविताओं में भी है। हाँ नहीं, हमारे पारिवारिक जीवन में भी हर चीज कोई छुपी भी नहीं रहती है। दूसरी बात यह है कि प्रेम ही प्रेम है, और आगे चल के प्रेम ही प्रेम रहे जी ज्यादा बेहतर है, मैं मानता हूँ, है ना। तो अच्छा प्रेम के बगैर जी 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 आप मैं जोर साहित्य लाता है में कि सर प्रेम साहित्यिक रचनाएं जैसे लिखते हैं तो इस क्रम में कुछ चीजें पढ़ते भी हैं सर साहित्य में हाँ कुछ कवियों कुछ रचनाकारों को? जी। अभी तो मैं 4 साल से नहीं पढ़ रहा हूँ, जी लेकिन जब मैं पढ़ता था तो लगातार ही पढ़ता था, है ना। जी तो मान के चलो कि आप कबीर से लेकर, है ना, जी कबीर मेरा बहुत प्रेरणादायक रहे हैं हमेशा। अच्छा कबीर ने मुझे छुआ है, जी महादेवी वर्मा ने मुझे छुआ जी है ना। आप पहले कवियों को हाँ देखिए कि मैं किन किन को पढ़ा है मैंने, है ना। जी जी और जी मुक्ति बोध ठीक लगते हैं, मतलब वो उनकी जो कविताएं हैं थोड़ा सा कविता रहस्यवाद मुक्ति बोध की कविताओं में थोड़ा फैंटेसी कहें उसको, हम रहस्यवाद कहें, उसका हाँ आरोप उनकी कविताओं पर लगता है हाँ लगातार। हाँ लेकिन अगर अगर उसको देखा जाए, एक संस्कारवान जो कविताएं हैं वो शमशेर बहादुर की लगती हैं मुझे। यानी कवियों के कवि हो सकते हैं वो, मतलब उनकी कविताएं बिल्कुल जी चलती फिरती हैं, मतलब, है ना। उनको उन्होंने भी बहुत प्रभावित, जी है ना। जी लेकिन जब मैं पढ़ता था तो लगातार ही पढ़ता था, है ना। तो जी मान के चलो कि आप कबीर से लेकर, है ना, जी कबीर मेरा बहुत प्रेरणादायक रहे हैं हमेशा। अच्छा कबीर ने मुझे छुआ है, जी जी महादेवी वर्मा ने मुझे छुआ जी है ना। आप पहले कवियों को हाँ देखिए कि मैं किन किन को पढ़ा है मैंने, है ना। और जी मुक्ति बोध ठीक लगते हैं, मतलब वो उनकी जो कविताएं हैं थोड़ा सा कविता रहस्यवाद मुक्ति बोध की कविताओं में थोड़ा फैंटेसी कहें उसको, हम रहस्यवाद कहें, उसका हाँ आरोप उनकी कविताओं पर लगता है हाँ लगातार। हाँ लेकिन अगर अगर उसको देखा जाए, एक संस्कारवान जो कविताएं हैं वो शमशेर बहादुर की लगती हैं मुझे। यानी कवियों के कवि हो सकते हैं वो, मतलब उनकी कविताएं बिल्कुल जी चलती फिरती हैं, मतलब, है ना। उनको उन्होंने भी बहुत प्रभावित, जी है ना। अच्छा सर, और दलित साहित्य में भी कुछ लोग हैं जिनकी कविताएं आपको प्रभावित करती हों? मतलब आपने कुछ जैसे दलित साहित्य अभी है समाज में लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, तो कुछ ऐसे हमारे वरिष्ठ रचनाकार जिन्होंने एक समय पे बहुत काम किया दलित साहित्य में भी, तो क्या मतलब कोई ऐसी आपको रचना ऐसी दिखती है जो जिसने कहीं प्रभावित किया हो आपको किसी रचनाकार की? हाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कुल्हाड़ी और कुदाल वाली जो कविता है, उसने बहुत प्रभावित किया, जी जी आंदोलित किया। हाँ, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश और वाल्मीकि तो एक जाना माना नाम है हिंदी इसमें दलित साहित्य में। हाँ, डॉक्टर डॉक्टर और एन की कविता है वो भी बहुत, और आपकी भी एक कविता है, वो मैं भूल रहा हूँ लेकिन नहीं, मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ सर उस लाइन में, बहुत पंक्ति में तो सीख रही हूँ अभी, लेकिन मैं अच्छा जानना लगे। चाह रही थी कि आप मतलब जो समय में चल रहा है, जो प्रासंगिक है, जो इस समय पर लगातार लिख रहे हैं जो लोग, उनसे भी कहीं आपका जुड़ाव है, बिल्कुल वहां तक चीजें पहुंचती हैं, पढ़ने का अवसर मिलता है, जानने समझने का। और हिंदी साहित्य में तो आपने बताया है कि आपको महादेव वर्मा और मतलब रघुवीर, किनको बताया आपने, रघुवीर रघुवीर, साहेब, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, उनकी मैं कविताएं, भूल तो रहा हूँ, आप याद दिला दे मेरे याद। वाकई उनकी कविताएं बहुत अच्छी, बहुत संवेदनशील कविताएं हैं। तो आप आगे चल और मैं जी बोलूँ सर, क्या? मैं जानना चाहती हूँ आपकी शादी को कितना समय हुआ सर? मेरी शादी को लगभग 7वां महीना चल रहा है। अच्छा, और कविताएं आपने उससे कितना समय पहले लिखना शुरू की? कविताएं तो 25 साल से लिख, मतलब कविताएं तो अरे मैं
नहीं, 3 साल, 3 या 2 साल से लिख रहा हूँ। उससे पहले मैं गजलें लिखता था। अच्छा, तो मैंने अभी आपको एक मतलब अनुरोध किया था कि आपका जो गजल संग्रह है उसमें से अगर आप हमें कुछ गजलें अगर सुना सकें। जी जी सुना सकता हूँ, सुना जी सकता हूँ। गजल का मतलब सुना रहा हूं। जी जब दीवार पर धूप आई तब पता चला, जब जी इरशाद दीवार पर धूप आई तब पता चला, कैसी होती है परछाई तब पता चला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिल की रसोई में मन की लकड़ी जल उठी, दिल दिल की की रसोई में, रसोई में मन की लकड़ी जल उठी, अपने भीतर भी दिया सलाई तब पता चला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब दीवार पर जी धूप आई तब पता चला, कैसी होती है परछाई तब तब पता पता चला। चला, बहुत जब सुंदर। कमरे में हवा आई तब पता चला, उसका भी वजूद है भाई तब पता चला। क्या बात है, मटमैला होता है बिन हलचल के पानी, मटमैला होता जमी है, सालाम में नहाई तब पता चला। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो दहलीज से बाहर आई तब पता चला, थी दुपट्टे की हवा से लड़ाई तब तब पता पता चला। चला, क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे से आप प्रकृति को भी अपनी कविता में इस तरह से ले आते हैं कि वो स्त्री के मतलब एक तरह से प्रकृति का भी मानवीकरण हो जाता है। जी जी मैं स्त्री आपकी और हवा, उन दोनों जी को, दोनों को मतलब आप एकाकार कर देते हैं। कई जगह मैंने देखा है आपकी कविताओं में, हाँ तो वो आती है प्रकृति भी स्त्री के रूप में ही आपकी कविताओं में कहीं ना कहीं आ जाती है। और बिल्कुल जो मैं स्त्री और समंदर वाली बात कर रही थी, जो नदी के रूप में आपने समंदर और स्त्री के रोने का कि एक बार हंसी थी नदी तो समंदर खोल खोल गया था, वो मतलब गया। पितृसत्ता पे इतना गहरा अटैक वो लगती है। जी मतलब पेश कर रहा हूं जी। जी शायद न कोई ठिकाना न ठोर जैसा, ये जी वर्तमान साहित्य के जो संपादक थे गाजियाबाद में रहते थे, जी जी नाम मेरे है? नाम दिमाग से निकल रहा है। मैं उनके पास बैठा बैठा इनको सुनाया था मैंने पहले, सबसे पहले ये। अच्छा हाँ हाँ वो एक मोहल्ला है कवि कवि नगर जो है गाजियाबाद में, वहां पे रहते थे वो। मैं भूल रहा हूँ जी उनका, तो उनके पास उन्होंने मुझे कहा था कि उपेंद्र भाई ठीक है आप करिए। उन्होंने उपेंद्र नाथ अश्क पर कोई पूरा वो किताब लिखी थी, तो उन्होंने मुझे भेंट करी थी, तब मैं ये सुनाया जी था। हाँ तब उस दौरान मैं ये फिर संग्रह में लिया था। सुनाओ। जी, जरूर। जी, न कोई ठिकाना न ठोर जैसा, मुझ में रहता है कोई और जैसा, वाह क्या बात है, और तेरा आंगन गजल की बहर जैसा, जिसका हर शेर दोपहर जैसा। क्या बात है, सुंदर। हमेशा बाहर से वो चुप रहता, होता जिसके भीतर शोर जैसा, न कोई ठिकाना न ठोर जैसा, मुझ में रहता है कोई और जैसा। कोई और जैसा हवा की बातों में सुंदर, आ जाते हैं, है तेरा दामन रिश्वत खोर जैसा, न कोई ठिकाना न ठोर जैसा, मुझ में रहता है कोई और जैसा। कोई और जैसा। अपने गाल का तिल संभाल के रख, उबर रहा आंख में चोर जैसा, न कोई जी ठिकाना न ठोर जैसा, मुझ में रहता है कोई और जैसा। क्या बात है। और अच्छा, ये समाप्त है। जी ये सब सर, ये जो गजलें हैं या आपकी जो पूरी पुस्तक है, एक बार इसको अगर आप स्क्रीन पे दिखाएंगे, जी आप इसको अपने हाथ में पकड़ के दिखा सकते हैं। जी, आपने इसका शीर्षक साफ मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है, अगर इसका खिड़की बताएं आप इसका शीर्षक। शीर्षक है खिड़की पर गुलाब खिड़की पर गुलाब, गुलाब रखता हूं। रखना, क्या बात। अच्छा, खिड़की पर गुलाब रखता, और आपने शायद ये इसके कवर पेज पे गुलाब ही दिखाया है बीच में ना। हाँ जी गुलाब भी है। जी, बहुत सुंदर। और ये कितने मतलब ये किस प्रकाशन से आई है सर? ये अयन प्रकाशन से आई थी, भोपाल सूत थे जो इसके
वो मेहरौली में थे, अब तो उधर गए, वहां से आई अच्छा थी। जी, 2015 अच्छा और कब आई थी सर ये, कौन से सन में? 15 में आई थी। 2015 में। अच्छा तो 2015 के बाद सर आपने इतनी सारी कविताएं लिखी हैं, तो क्या कारण है कि आपने कोई कविता संग्रह लाने का नहीं सोचा इस बीच? इस तरफ ध्यान नहीं, आलसीपन बहुत है, कविता लिख के भटक क्यों, आप जाते तो हैं, बहुत आलसीपन। इतनी सारी कविताएं हैं आपकी, मैं आपके व्हाट्सएप पे देख रही थी कि कविताएं तो बहुत हैं, तो क्यों मतलब इन 4-5 सालों में आपने नहीं सोचा, 4-5 भी क्यों, 15-20 28 मतलब 8 साल ये लगा लीजिए आप, 15 के बाद 8 साल, 8वीं साल, क्यों जी जी सोचा आपने असल में क्या, कि आना चाहिए संग्रह? जी आना चाहिए। नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ 2024 में आएगा। हाँ, 2024 बहुत आ गया है, 9वीं साल लग गई है, तो मुझे लगता है हाँ, अब तो प्रेम, आना ही चाहिए और नहीं प्रेम, अच्छा होगा, क्योंकि जो कविताएं हम यहाँ शेयर नहीं कर पाए। अच्छा, कुछ कविताओं का मेरा आग्रह है सर, जैसे जिन कविताओं के मैंने आपके नाम लिए हैं, इन कविताओं को अगर आप अपने फेसबुक पे, अपने फेसबुक पेज पे या अपने फेसबुक अकाउंट पे भी शेयर करें, तो हमारे पाठक या हमारे श्रोता वो इन कविताओं को देखेंगे और पढ़ेंगे, लाभान्वित होंगे। तो इस तरह की चीजें शेयर करनी जरूरी है, अगर आप हाँ मैं फेसबुक पे कर, हैं तो उस पे जरूर शेयर कीजिएगा और हम भी इसको शेयर करेंगे। अच्छा, और मुझे आपके अनुभव मतलब जीवन के अनुभव में कोई ऐसी बात जिसको आप साहित्य से जोड़कर देखते हैं और आपको लगता है कि वो जरूरी है यहाँ शेयर करना, आपकी कविता से जुड़ी, हाँ आपके जीवन से जुड़ी कोई भी ऐसी घटना जिसको आप शेयर करना चाहें? नहीं, वो पहले जो बात अधूरी रह गई थी, पहले तो मैं उसको पूरा करूंगा ना, जी बिल्कुल जो करिए आपने। सर, माफ कीजिए अगर भाई किसी वजह से अधूरी रही। जी, वो 5वीं पढ़ने के बाद तो फिर मैं ऐसे ही खेत वेत में जाता रहा, है ना, साहित्य से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जिसने मुझे अच्छा यहाँ तक लेकर आए, वो आर्यभट्ट क्रांति ही है, जो राजकमल प्रकाशन में है, आलोचना के वो सहायक संपादक हैं, और हाल में जी तो वो सारा कुछ वही देखते हैं, संपादक वगैरह सब कुछ है। तो सलेमपुर की लड़कियां नाम से कविता संग्रह उनका बहुत मशहूर हुआ था एक बार, और कुछ अच्छा कविताएं बहुत उनकी। जी, तो उन्होंने, जी वो हमारे भाई के पास आते थे गांव में, घर पे ही, अच्छा तो वो भी साहित्य की बात होती थी। तो मुझे लगता था कि ये कुछ साहित्य की बात आपस में करते हैं, तो मैं भी चुपचाप बैठ जाऊंगा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बात हो रही है। मुझे धुन थी अच्छा गायक बनने की, मैंने सोचा कि उस अगर समय आपकी गायक उम्र क्या बनूं, होगी सर? उस टाइम मेरी उस उम्र समय आपकी उम्र, होगी 16-17 साल होगी लगभग। अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज में करना चाहिए आपको भी, और मैं भी करूंगा, जब अपनी आत्मकथा लिखूंगा, मैं इस चीज को कहूंगा कि जैसे पहले रेडियो नहीं आती थी, वो फूल वाले जो ऊपर लगा के वो बजते थे, जो पहले पहले ये बाजे वाजे नहीं थे ना, पहले तो ये हाँ जी ऐसे हाँ फूल जी वाले रेडियो गांव मंडे में और बारातों में जाती थी जी ना, तो जी जी गाने चलते थे फिल्म, तो मैं बहुत गहरे से सुनता था उनको। जी तो बचपन से ही मुझे गहराई में जाना और गहराई ही ज्यादा पसंद है। मतलब जी मुझे जी जी खिलंजना पन्ना ये चीजें नहीं पसंद है, बहुत गहराई पसंद है, हर चीज में गहराई पसंद है। अच्छा हाँ, हर चीज जी को मैं बहुत सोचता रहता हूँ, तो उन गानों में अर्थ निकालता था मैं, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं थे, अच्छा मैं पढ़ा लिखा नहीं था। जी तो उस दौरान मैंने जी सोचा कि मैं गायक बन जाऊं, लेकिन मैं साहित्य में भी रुचि रखने लगा। तो मुझे आर चेतन ने कहा कि आप संवेदनशील हो, आप पढ़े लिखे से मैटर नहीं रखता है, कबीर भी ऐसे ही थे, जी हाँ, आप क्यों कबीर ना, भी ऐसे ही थे वही। आप किताब लेते रहो मुझसे साहित्य की और पढ़ते रहो। तो शुरू में मैंने मैला अचल पढ़ा, फणीश्वर नाथ, प्रेमचंद का बहुत सारे उपन्यास, फिर उन्होंने टोलस्टॉय के उपन्यास दिए मुझे, कम से कम 10 या 9 जितने भी उपन्यास हैं, मैं नहीं बता सकता, जितने हैं सब पढ़ लिए मैंने, पुनरुत्थानवाद और अन्ना करेनिना और युद्ध और शांति और सारी कहानियां पढ़ी। तो फिर मैंने सोचा, मक्सिम गोरकी की माँ पढ़ी मैंने, तो बहुत वाह। संवेदनशीलता हाँ उधर से आती चली गई। और तुर्की वो वहां के उसके क्या नाम, ईरान के जो बहुत बहुत संवेदनशील कवि थे, वो नाम भूल रहा हूँ मैं, उनको मैंने बहुत पढ़ा। तो यहाँ से पढ़ता पढ़ता मैं ये बिम जो मेरे आए हैं गजलों में, कविताओं में, वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मैं बहुत बड़ा कवि मानता हूं।
जी उनको समझा नहीं गया, वो बहुत बड़ा कवि है अच्छा, ना। हाँ, और बाकी सर्वेश्वर आप दास एकदम, खन्ना की कविताएं तो हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी कविताएं उनकी, लेकिन हाँ जितना तो और ये लोगों जब, का नाम हुआ उतना नाम उन लोगों ने उनको उतना ज्यादा मतलब मुखर उसमें नहीं देखा, ज्यादा भारत भारती और ये सब एक समय पे आंदोलन की कविताएं उस तरह से ज्यादा प्रचलित हुई हिंदी साहित्य में, और वो कहीं पीछे छूट गई, ये रहा। अच्छा, अब नए कवि आए हैं, उनमें आप भी हैं शामिल, और भी बहुत लोग हैं। आरसी चौहान एक कवि हैं, वो आजमगढ़ में रहते हैं ना, उनकी कविताओं ने जी मुझे जी प्रभावित किया है। और जी एक श्रीधर दुबे हैं जो नोएडा में रहते हैं, बहुत छोटी कवि कवि लिखते हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं ना। और भी दुबे हैं। हाँ अच्छा, ओम निश्चल जी ने, मुझे इतना तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो अगर आलोचनात्मक स्थितियां, मतलब टिप्पणियां ना करें, और मतलब आलोचक ना बढ़े, मतलब आलोचक बड़े हैं, अगर वो गीत में भी आ जाएं तो गीतकार भी बहुत बड़े हैं। अच्छा उन्होंने भी मुझे बहुत प्रभावित किया, ओम निश्चल। अच्छा, उन्होंने उभारने भी मेरे दैनिक जागरण में उन्होंने मुझको साक्षात पाल लिया, और वो सब कुछ उन्होंने मुझे उभारने में भी बहुत, उनका बहुत बड़ा रोल है मेरा, है ना। तो उन लोगों से भी बहुत अच्छा प्रभावित हूँ। गीतकार तो है, और भी कोई सर गीतकार है, याद मतलब नहीं आता। जी, इतनी सारे लोग आपके प्रेरक रहे हैं, आपने बहुत सारा साहित्य भी पढ़ा है। अब देखिए ये बिल्कुल आपका, मैं आपकी तुलना में जब मैंने आपको देखा और आपकी कविताओं रचनाओं से मैं वाकिफ हुई, तो मैंने आपके जीवन और आपकी कविताओं को देखते हुए ही जब मैंने दर्जी कविता लिखी तो मेरे दिमाग में कबीर आए, कभी जैसे आए वो हैं। करघा हाँ काटते हुए रचनाएं करते थे। और जब आपने ये कहा कि मेरा क्योंकि पेशा ऐसा है मैं दर्जी हूं और मैं जब कटिंग करता हूँ सीता हूँ तो बहुत सारी जो मतलब चीजें हैं वो मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, मैं कपड़ों से लोगों के जीवन को जान लेता हूँ, ये चीजें कपड़ों से जीवन को जान लेना मुझे लगता है इसके लिए बहुत गहन संवेदनशीलता की जरूरत होती है। और इतने सारे लोगों की कविताओं को आपने पढ़ा है, इतना अच्छा मतलब साहित्य में आप हिंदी में भी आपका अच्छा रहा है पठन पाठन, और हिंदी साहित्य में भी और विदेशी मतलब कहें उसको हम मतलब अंतरराष्ट्रीय जो साहित्य है उससे भी आप जुड़े, आपने बहुत सारी ऐसी रचनाएं पढ़ी जिनका जिक्र आपने अभी यहाँ पर इस मंच पर किया है, तो क्या मतलब कहीं अनुभूति की समानता आपको नजर आई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो जो भी रचनाएं आपने जैसे गोरकी की रचनाओं का जिक्र किया, अन्ना कैरेना का जिक्र किया, मतलब माँ का जिक्र किया, अन्ना कैरेना आपने उसका भी जिक्र किया, स्त्री संवेदना को क्या मतलब उन रचनाकारों में भी आप उसी तरह से देखते हैं जिस तरह है भारतीय साहित्य में, या वो उस तरह से आनी चाहिए भारतीय साहित्य में अभी उस तरह से आई है या नहीं आई है, इस पे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी पढ़ते हुए आपको जी, क्या लगा। मक्सिम गोर्की की जो माँ है, जी उसमें जो संवेदनशीलता है वो अन्ना करीना में नहीं है, उसमें प्रेम है, प्रेम जी है। यानी उस चीज को, उस संवेदनशीलता को, उस भाव को, उस ममत्व को नहीं पकड़ पाए, और जो मक्सिम गोर्की पकड़ पाए हैं सम्मान की दृष्टि से जो है ना। लेकिन जहां तक कवियों की बात है, यहाँ हिंदी साहित्य में और विदेशी साहित्य में, स्त्री के बारे में वही दोगलापन है, वही दोगलापन है। वो सम्मान सम्मान, पीठ पीछे जी सम्मान और सामने कोई, हाँ, या सामने सम्मान पीठ पीछे सम्मान, नहीं, वो स्थिति मैंने देखी है मतलब वो कभी तो। संवेदनशीलता वो गंभीरता अभी पुरुषों के साहित्य में यहाँ नहीं देखी जा सकती जो महासाहित्य में, आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आपने जब जिक्र किया मतलब कुछ कवियों का तो आपने बताया कि आप उनकी कविताओं से प्रेरित हुए, तो उनमें ऐसी कौन सी अनुभूति थी जिससे आप प्रेरित हुए, क्योंकि आपकी कविताओं में स्त्री पक्ष आता है, माँ में भी स्त्री पक्ष है बहुत मुखरता से है, अन्ना कैरेनिना में भी स्त्री पक्ष है प्रेम की मुखरता से है, लेकिन आपने आपने इन रचनाकारों में कैसे उसको अनुभव किया कि वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ते हैं या आप उनसे प्रेरित हुए तो किस रूप में हुए। उनकी कविताओं के रूप में नहीं हुआ, कविताओं के रूप में तो हुआ हुआ हूँ, उनकी उनके साथ विचारों से मिलन हुआ है। यानी कि उन्होंने मुझे परखा है, मैंने उनको परखा है,
एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जैसे हम परखते चले गए, जब कविताएं अच्छी लगती है ना, किसी अगर कवि से दोस्ती है करनी है या नहीं है, तो पहले शुरू में तो कविताएं पढ़ी जाएंगे ना, तभी तो दोस्ती होगी ना, या तभी तो बात बनेगी ना। और जब कविताएं अच्छी नहीं जी जी लगेंगी तो बिल्कुल उनसे बात कैसे करें, पहली बात। दूसरी जी बात, ये जरूरी नहीं है कि स्त्री पक्ष ही उठाया जाए, लेकिन जो भी पक्ष उठाया जाए वो संवेदनशीलता से उठाया जाए। जी पक्ष तो और भी अभी ना, आपने कहा स्त्री कि पक्ष। जरूरी नहीं है कि स्त्री पक्ष ही उठाया जाए, दूसरे पक्ष भी संवेदनशीलता के साथ। तो ऐसी कोई आपकी राजनीतिक कविता, जैसे मैंने अभी एक राशन कार्ड वाली लाइन वाली बताई थी, कोई और ऐसी कविता आपको याद आती है जो मतलब समाज के किसी राजनीतिक रूप में या सामाजिक किसी विद्रूपता को दिखाती है या बताती है? नहीं, देखिए, जब मैं लिखता हूं ना तो मुझे इस बात का पता नहीं जी रहता कि ये राजनीतिक पक्ष जाएगा या ये सामाजिक पक्ष जाएगा, मुझे कुछ भी पता नहीं जी रहता। मुझे ये पक्ष जाएगा, मैं अपनी बात ढंग से कह रहा हूँ या उसकी भाषा बोल रहा हूँ, जिसकी भाषा जी जिसने मुझे समझना दी, बस मैं तो ये जानता हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल। फिर भी बता रहा हूँ, एक समाज। कबीर भी जो लिखते थे वो बिल्कुल वो लिख देते थे, उन्हें नहीं पता था कि समाज इसको किस तरह से लेगा, राजनीति इसका कैसे राजनीतिकरण करेगी, राजसत्ता इसको कैसे देखेगी, या उसके क्या परिणाम होंगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी रचनाकार जो साहित्यकार है वो बस अनुभूति को अभिव्यक्त करता है बिना उसके परिणाम की परवाह किए, और आपने भी वही किया है, क्योंकि समय के हम बहुत नजदीक हैं समापन के सर। तो मैं आपसे बस एक छोटा सा सवाल ये करना चाहती हूँ कि वो पहली कविता, वो पहली अनुभूति क्या थी जो आपने दर्ज की? हाँ, वो कविता बन नहीं पाई अभी अब तक भी, लेकिन दो दो लाइनों के, अरे लाली तेरे चेहरे की लाली कहाँ गई रे लाली, बस ये लिखा। उसके बाद अच्छा में मैंने आज चेतन को बताया, कहने का कि इसमें तो बहुत सारे यमक हैं और ये अलग अलग ढंग से जा रही है, और ये मैंने अच्छा कहा इसे पूरी करना चाहता हूँ कि ये पूरी होगी नहीं, ये पूरी बस यही कविता बहुत है, अरे लाली तेरे चेहरे की लाली अच्छा कहाँ गई रे लाली। तो उन्होंने कहा था कि आप कविता लिख सकते हैं, लेकिन बड़ा क्योंकि आप कॉलेज में नहीं गए तो आपको धीरे 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 करना होगा सब कुछ अपने आप ही, अभ्यास जी। अभ्यास अभ्यास तो अभ्यास। मतलब आपकी प्रेरणा भी इस कविता के, ये आपकी जो कविता है ये अपने आप में मुकम्मल कविता है हम कह सकते हैं, लेकिन इसकी इसके प्रेरक शक्ति के रूप में आप मतलब किसको देखते हैं? आर चेतन जी को देखते हैं या कोई और उसकी प्रेरक पहली कविता नहीं, का मतलब हाँ जिन्होंने नहीं, सराहा? आर चेतन ने तो मुझे रास्ता बताया है, जी लेकिन प्रेरणा वही रही है, स्त्री प्रेरणा रही है, सच्चाई हर ही जगह प्रेरणा की। रही है। जी 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 बिल्कुल। उम्मीद बहुत कुछ अच्छा सीखा। लगा सर, बातें बहुत हो सकती हैं आपकी कविताओं पर, आपकी गजलों पर। आप हमें पता ही नहीं चलता कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है। देखिए अभी हम आपका परिचय आपसे सुन रहे थे, बीच बीच में कुछ रचनाएं हमने सुनी, और समय आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके प्रेरणा स्रोत के बारे में सुनते सुनते अब हमारा समय हमारे पास थोड़ा सा रह गया, बहुत थोड़ा सा। इस थोड़े से समय को मैं जानना चाहती हूँ, अब आप क्या महसूस करते हैं? अब जब आप लिखते हैं तो आपके आसपास बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, इन्हीं विषयों को लेकर लिख रहे हैं, समाज को, राजनीति को, महिलाओं को, अंतर संबंधों को, स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर लिख रहे हैं, स्त्री पुरुष संघर्षों को लेकर लिख रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या केवल एक अभिव्यक्ति में किसी एक को प्रेरणा मान लेना काफी होगा? क्या स्त्री संवेदना को लेकर ही आप आगे भी कविताएं रचेंगे या करेंगे, या आपके रचना क्रम में वही प्रतिमान और प्रतीक और बिंब शामिल होंगे या बदलेंगे या बदल रहे हैं आपके आसपास? बदल रहे हैं, यानी पहले भी बदले हैं ये कविताएं तो, और भी सामाजिक कविताएं भी मेरे पास बहुत हैं, है जी ना। जी लेकिन जो मैं सोचता रहता हूँ ना वही करता रहता हूँ। अब हाँ कोई, हाँ जी जी ये थोड़ा सा सुनाए। भी है। हाँ, दूसरी अगर कविता में कुछ भी जा आपके सकता पास छवि है तो हम चलते चलते आपकी कविता से ही उसका अंत कर सकते हैं, सुखद अंत की कोई अच्छी रचना अगर आपकी है अभी आपके पास जिसको आप सुनाएं, जो समाज सापेक्ष हो या फिर जीवन से, दैनिक जीवन से जुड़ी कोई रचना आपके पास है, आपके जीवनानुभवों से मेल खाती हुई, तो वो भी आप यहाँ पर इस मंच से दर्ज कर सकते हैं, सुना नहीं। सकते जी, हैं। सुना रहा हूं। जी कबाड़ वाली ठहरो, ये रद्दी लेकर जाना, दिन में कितना कमा लेती हो, बस गुजारा जितना,
आपके मियाँ क्या काम करते हैं? वो भी कबाड़ का काम करते थे, मतलब वो इस दुनिया में नहीं रहे, ठेले में कबाड़ लेकर जा रहे थे, उधर से गाड़ी ने ऐसी टक्कर मारी, सब कुछ खत्म। तभी बाबूजी, हम ये काम कर रहे हैं, जी बच्चों को तो रोटी देनी है, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़की 1 लड़का, उन्हें पढ़ा रही हूँ सरकारी स्कूल में, मकान अपना है लेकिन छत चूती है, छल्ले आते हैं फार्म भरवाते हैं, दल्ले आते हैं फार्म भरवाते हैं, टोकन मनी लेकर चले जाते हैं, फिर दोबारा लौट कर नहीं आते, विकास भवन भी गई हूँ, अधिकारी हमारी सुनते नहीं, सरकारी कोई लाभ नहीं, बाबूजी जब तक हैं संघर्ष तो करना ही, क्या बात है बाबूजी, जब तक हैं संघर्ष तो करना संघर्ष। ही है। देखिए स्त्रियां कितने मतलब पुरुष के ना रहने पर एक घर में जो एक जिम्मेदारी होती है उसको स्त्रियां मतलब कैसे कितनी बखूबी के साथ निभा जाती हैं, और हालात कैसे भी हों उसमें मतलब लड़ती हैं और खड़ी रहती हैं, छोड़कर वही नहीं तो है, भागती। बिल्कुल लेकिन अगर मतलब उसको कहेंगे कि कोई इस चीज को कभी भी पुरुष जो है वो इस चीज के महत्व को उस तरह से शायद समझ नहीं पाते या रेखांकित नहीं कर पाते। ज्यादातर हम जो समाज में अनुभव करते हैं देखते हैं तो यही होता है कि स्त्रियों को छोड़कर पुरुष चले जाते हैं। अगर स्थितियां इस तरह की हों कि किसी तरह की आपदा या उस तरह का कुछ हो जाता है तो अक्सर स्त्रियां अकेली रह जाती हैं, पुरुष उन्हें छोड़ जाते हैं, लेकिन स्त्रियां नहीं छोड़ती विपरीत परिस्थितियों में भी। नहीं तो इसको छोड़ती, क्या कहेंगे, नहीं ये छोड़ती हैं। नहीं छोड़ती, ये उनकी उनकी एक अब उनकी एक संवेदनशीलता है, पुरुष संवेदनशील इतना नहीं होता है किसी भी चीज के लिए, स्त्री अब संवेदनशील ये होती बात है। आप कह रहे हैं ये देख लीजिए, क्योंकि एक कवि और एक रचनाकार और एक मनुष्य के तौर पर आप ये बात कह रहे हैं, तो और एक पुरुष होने के नाते आप ये बिल्कुल बात कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ, और मैं ये भी हाँ मानता हूं कि कवि जो होते हैं वो अगर कवि हैं तो कम से कम 40% उनका हिस्सा स्त्री वाला होता है, वो भावुक भी होते हैं, और जो भावुक नहीं होते वो आप समझ सकते हो, संवेदनशील नहीं हो सकते, नहीं। अच्छा लगा सर आपसे आज बात करके, और जन सरोकार मंच हमेशा ऐसे अपने जो नए कवि हैं या जो कोशिश रहती है इस मंच से कि ऐसे कवि जो अभी तक लाइमलाइट में नहीं आए हैं, यानी कि ज्यादा लोगों के बीच में या पब्लिक हमारी जनता के बीच में या समाज के बीच में जिन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते हैं उनको खोजकर हम इस मंच पर लेकर आए और समाज के बीच में लेकर आए, उनकी अभिव्यक्ति उनकी अनुभूति उनकी रचना को यहाँ साझा करें, और पाठक हमारे जो पाठक हैं और जो हमारे श्रोता हैं वो उनकी रचनाओं से उनके रचनाक्रम से लाभान्वित हों और उनके जीवन के बारे में उनके संघर्षों के बारे में भी जानें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जन सरोकार मंच से आज आपका इस तरह का साक्षात्कार, जो 1 घंटा हमारे पास, मुझे 1 घंटा भी कम लग रहा है, मुझे लग रहा है कि और बहुत सारी चीजें बात करते हुए निकल कर आती है, लेकिन कोई बात नहीं, अवसर कभी खत्म नहीं होते और होने भी नहीं चाहिए। हम फिर बिल्कुल कभी फिर मिल बैठेंगे और फिर इसी तरह से हम चर्चा करेंगे अपने रचनाक्रम पर। आज के लिए इतना ही, और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े जन सरोकार मंच पर और हम सब आपकी कविताओं से लाभान्वित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, और जन सरोकार मंच का मैं भी बहुत बहुत आभारी हूँ, और आपका भी, आपका और जन जी मंच का, दोनों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।